हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर बेनी। और आज आप लोगों को लेके जाएंगे हम लोग मसूरी झील, जो कि आज के चुके हैं टिकट काउंटर में। टिकट जो है एज़ यूजुअल, जैसा आपने देखा कि 12 रुपये प्रति व्यक्ति पर है, और 3 साल के ऊपर के बच्चे के लिए मतलब टिकट लगेगा, उससे पहले का फ्री। ये जो है वो थोड़ा डाउन में जाना पड़ता है, तो ऊपर पार्किंग करने के बाद हम लोग ये सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। वैसे तो यहाँ से जो है आप रोप वे भी है यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन हम लोगों को ऊपर से ही दिखाई दे रहा था कि नीचे जो है एक बहुत बड़ी झील है, और सीढ़ियाँ भी जो है वो 1x1 स्लाइड की हुई थी, तो आराम से हम लोग जो है उतर सकते थे। तो हम लोगों ने एक एक बच्चे को पकड़ा और अपने साथ जो है धीरे धीरे करके जो है वो नीचे की तरफ चल गए, क्योंकि वो दिखाई दे रही थी हम लोगों को झील, इसलिए हम लोग सोचे कि आराम से जा सकते हैं। धूप आ गया, बहुत सारे वाटर थी है ना। बारिश तो हम लोगों की पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, मतलब दोनों का जो है चोली दामन का साथ लग रहा था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था, और पहाड़ों पर जो है ऐसा ही मौसम होता है। यही एक छोटा सा लेक है यहाँ पे, नहीं बोटिंग कीजिए, खाना खाइए, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और कुछ क्राफ्ट का जो है वहाँ सामान है। हॉन्टेड हाउस है। फर्स्ट हाफ जो रहता है वो धूप रहता है, और सेकंड हाफ में थोड़ी थोड़ी जो है वो बादल आ जाते हैं, मतलब बारिश शुरू हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी था, कभी बारिश का मौसम कर रहा था बिल्कुल कभी, और कभी धूप हो जा रहा था। और ये जो है वो 2 बज रहे थे हम लोगों को, तो देखिए कितने काले बादल चारों तरफ जो है वो छाए हुए हैं। और अभी तुरंत जो थोड़ी देर पहले जो थी वो बहुत कड़ाके की धूप थी। तो चलिए नीचे चलते हैं। आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अभी हम लोग जो है यहाँ बच्चों को लेके आए हैं, थोड़ा सा ये मतलब गढ़वाली लोग जो ड्रेस पहनते हैं ना, उन लोगों का ड्रेस जो है वहाँ यहाँ मिल रहा था, वो 80 रुपीज़ पर व्यक्ति था, मतलब जो भी आप ड्रेस लोगे उसका 80 रुपीज़, और 1 पीस वो फ़ोटो करके वो दे रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि पहले बच्चों का करवा देते हैं, क्योंकि बच्चों का बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन फिर जब इतने उन लोगों का एक यूनिक टेक्निक था पहनाने का, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स में ना वो आपको बिल्कुल ही चेंज करके एक नया लुक दे रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इतने दूर आए हैं और नॉर्मल सा लुक जो है हम लोगों का, तो क्यों ना कुछ चेंज किया जाए। तो यही सब सोचते हुए हम लोग जितने भी थे 8 के 8 जन ने, सब ने जो है वो ड्रेसअप किया और एक नया लुक लेके सामने जो है चलो चले आए उसके सर का। और तो फिर फ़ोटो का जो सेशन चला, मतलब सब जो है अलग अलग, और नन्नू को तो बहुत बहुत लोगों ने लेके जो है वो फ़ोटो खिंचाया, क्योंकि वो क्यूट लग रही थी। उसके बाद वहीं पास में ही जो है किनारे में रेस्टोरेंट भी बना हुआ था, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो होटल्स बने हुए थे उसमें सारा चीज़ आपको जो है वो मिल जाता है खाने के लिए। तो हम लोगों ने भी कुछ हल्का सा नाश्ता और चाय लिया था, तो डोसा लिए, और बच्चे तो केवल मैगी और मोमोज, इसके अलावा उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर खा के हम लोग नेक्स्ट लोकेशन के लिए जो है चल दिए, और वहाँ झील से जैसे ही निकले फिर से वैसे ही बारिश, मतलब बता नहीं सकते पूरी जो है, जब तक हम लोग मसूरी, एक्चुअली अब हम लोग KMT फॉल जा रहे हैं, वहीं पर जो है वो अब स्टे करेंगे, और ये काफ़ी ऊपर में है समझिए, तो हम लोग एकदम मसूरी जो है वो चले आए हैं। बारिश काफ़ी थी और ट्रैफिक भी बीच बीच में बहुत लगी हुई थी, तो फिर भी हम लोग सोचे क्या कि ये स्पॉट देख लेते हैं उसके बाद आगे जाएंगे। तो यहाँ पर केवल हम लोग 3 ही जा रहे हैं, बच्चों को साथ नहीं लेके जा रहे, क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे, तो वो आधे तो जो है वो गाड़ी में ही सो गए थे, तो मेरे हस्बैंड उनको लेके जो है एक जगह वो रुक गए। और यहाँ हम लोग टिकट काउंटर में हम लोग केवल 3 ही जाएंगे KMT फॉल। यहाँ भी फॉल ही है, ऊपर से मतलब झरना आ रहा है जो नेचुरल वे में आता है, तो ये जीप लाइन से नीचे जाएंगे, बहुत नीचे की तरफ जाना है, 200 पर पर्सन पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ 3 ही केवल जो है जाके देख के चले आएंगे। तब तक मेरे हस्बैंड जो है वो होटल देखने के लिए गए हैं, कि अगर अच्छा कोई होटल मिल जाता है तो फिर हम लोग जो है गाड़ी छोड़ देंगे। हम लोग रात को यहीं स्टे करने का था, और बारिश तो मैंने आपको दिखाया ही, रास्ते में जो है बहुत बारिश पड़ रही थी। अल्लाह
ये बिल्कुल नीचे की तरफ थी और दो पहाड़ों के बीच में नीचे जो है झरना वो बह रहा था और वहीं पे जो है वो सारा जो है वो ट्रॉली नीचे जा रही थी। और देखेंगे आप कि नीचे तो एकदम जो है बारिश जैसा मौसम किया हुआ है, लेकिन ऊपर देखने पर ना पहाड़ों के ऊपर देखने से जो है पूरा धूप खिला हुआ था। देखिए एकदम जो है वो इधर धूप खिली हुई, मतलब आधा धूप आधा कुछ समझ में, मतलब अचानक मौसम ही पहाड़ों का ऐसा होता है कि पल में जो है वो धूप और पल में जो है वो बारिश, मतलब बारिश लगा देती है। यहाँ का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत था और ये बिल्कुल जो है एकदम ना जो खड़ी ढाल जो होती है ना वैसी ढाल थी। केम्प्टी फॉल मेनली जो होता है ना ये गर्मियों में जब बाहर से आते हैं या यहाँ पर जो है वो नहाने के लिए आते हैं, मतलब झरना बना हुआ है, नेचुरल झरना बना हुआ है। यहाँ पे आपको ड्रेस चेंज करने के लिए जो है वो सारी सुविधाएं हैं, लॉकर बने हुए हैं और आपको स्विमिंग सूट भी मिल जाता है, जो कि सब चार्जेस सब आपको यहाँ पर लिखी हुई है। अभी मैं दिखाती हूँ, फिर हम लोग नीचे जाके थोड़ा सा इन्जॉय किए और उसके बाद फिर वापस चले आए। इधर देखिए, ठीक लग रहा है ना बिल्कुल कि वो है ही है उसमें। हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, अब तुम बताओ। थोड़ी सी शॉपिंग भी हो गई क्योंकि मसूरी आया है और कुछ लेके जाना ज़रूरी है। अब हम लोग जैसे ही बैठे कि मॉल रोड जाएंगे, मॉल रोड जो है मेनली शॉपिंग के लिए ही जो है वो प्रचलित है और बहुत शानदार भी है। खाने के बहुत सारे आइटम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो बारिश जो है वो फिर से कंटिन्यू हो गई और रात भी हो गया था, मतलब शाम हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्या कि यहाँ जो है वो अभी अगर ऑनलाइन हमने नहीं बुक कराया हो होटल और ऑन स्पॉट जाके जो है होटल लेते हैं तो हम लोगों को काफ़ी महंगा पड़ रहा था होटल। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उसी गाड़ी से जो है रिटर्न चले जाएंगे देहरादून। केवल जो बच गया था एक मॉल रोड जहाँ की शॉपिंग के लिए प्रचलित है, तो वो ना देख के हम लोग वापस जो है वो देहरादून लौट रहे हैं उसी गाड़ी से, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे और रात का सफ़र करके आए थे, दिन भर घूमने में निकल गई थी। तो इसलिए हम लोगों ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि तबीयत ख़राब होने का डर था सबका, तो इसलिए हम लोग वापस चले आए और नीचे देहरादून में जाके फिर हमने होटल जो है वो बुक किया। जिस गाड़ी से हम लोग गए थे वही गाड़ी हमें लेके वापस जो है देहरादून भी लेके चली आई। होटल पहुंचते पहुंचते भी हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गए थे। तो अब जाके केवल आराम करना है और सुबह सुबह जो है वो देहरादून के लिए हम लोग निकलेंगे, क्योंकि यहाँ भी 2-3 पॉइंट है जहाँ हम लोग घूमने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको होटल का एक व्यू दिखा दूँ, मतलब रूम का एक व्यू दिखा दूँ। और ब्लॉग मैं अब यहीं पे ख़त्म करूँगी, इसलिए अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको अच्छा लगता है ब्लॉग तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सबको जो है वो बाय। Good night.
बाय, कल मिलेंगे डार्लिंग। कल मिलेंगे।